वह नहीं रहती, क्योंकि वे उससे उपरत होते हैं, ऊपर होते हैं। इसी बात को पतंजलि ने कहा है, कर्म अशुक्ल अक्षण योगिनम त्रिविधम इतरेषाम। योगी का कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होता है। गीता भगवान ने कहा अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रत्या न तु संन्यासिनाम क्वचित। उनके कहने का अभिप्राय है कि जो लोग अयोगी हैं, अयोगी माने भोगी, जो कर्म भोग की दृष्टि से कर्म करते हैं, कर्म के फल की आकांक्षा लेकर कर्म करते हैं, कर्म के बदले में अपनी वासना की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं, इनको अयोगी कहा जाता है। ऐसे जो अयोगी लोग हैं उनके कर्म के तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, कुछ सुख में कुछ दुख में कुछ मिश्रित, कुछ पाप में कुछ पुण्य में कुछ मिश्रित। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम, अनिष्ट माने दुखद, इष्ट माने सुखद, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चाह है सुख, हर एक व्यक्ति बचना चाहता है दुख से। तो अनिष्टम जिसको नहीं चाहता, जो इष्ट नहीं है उसे अनिष्ट कहते हैं, अनिष्टम और इष्टम, जिसको वो चाहता है उसको इष्ट कहते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम और दोनों से मिला हुआ, थोड़ा इष्ट थोड़ा अनिष्ट, चाहता भी है नहीं भी चाहता, बीच वाली स्थिति। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मणा फल, कर्म के तीन प्रकार के फल होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं? भगवान कहते हैं भवति अत्यागिनाम प्रत्य, के मरने के पश्चात उनको प्राप्त होते हैं जो अत्यागी, अत्यागी माने भोगी, जो भोगासक्त है, जो कर्म भोगी है, उनके लिए तीन प्रकार के फल है। न तो संन्यासी नाम कुछ, लेकिन जो कर्म भोगी नहीं कर्म योगी है उनके लिए, उनके लिए फल नहीं होता। जिन्होंने वासना का त्याग कर दिया है उनके लिए फल नहीं होता। कर्म तो भी करते हैं, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे, योगी लोग भी कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं, कर्म करते हुए भी वो उस प्रकार के परिणाम से मुक्त है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें कर्म करना ही है, बिना कर्म किए तुम्हारी गति नहीं है, कर्म तुमसे अनिवार्यता होगा, तो तुम कर्म को योग का रूप क्यों नहीं दे देते, कर्म के भोग में क्यों आसक्त हो तुम? अच्छा, यहाँ पर एक घबराने वाली बात शायद आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि कर्म तो हम सुख के हो कि उसको वही करना है जिसमें उसका पिता प्रसन्न हो, पिता की प्रसन्नता के लिए पितृ पूजन के लिए जो पुत्र कर्म कर रहा है उसके परिणाम में मिलने वाले सुख की अपेक्षा कई गुना अधिक सुख होता है। यही सिद्धांत भगवान ने गीता में बताया है कि कर्म योगी अपने लिए कर्म नहीं करता, वह ईश्वर की समर्चना के रूप में कर्म करता है। यथा प्रवृत्ति भूतानां केन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान ने बताया कि जिससे समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है, जो सारे विश्व में कण कण में व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा जो उस प्रभु की अर्चना करता है, उस प्रभु को समर्पित करता है अपने कर्मों को, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सिद्धि बिंदु मानव। यहां पर एक और आशंका उत्पन्न हो सकती है, यदि हम अपने कर्म को प्रभु की अर्चना के साथ ही जोड़ देंगे तो संसार का व्यापार कैसे चलेगा? कुछ लोग अर्चना और पूजा का अर्थ समझते हैं केवल घंटी बजाना, आरती उतारना, ड्रम पीटना, नाचना गाना और इस प्रकार के क्रियाओं को करना जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण की संभावना नहीं, ये पूजा का अर्थ लोगों ने समझ रखा है, लेकिन ये भ्रांत धारणा है। पूजा से इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे विचार से दूर का भी इसका पूजा से कोई संबंध नहीं है, भक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये मध्य काल में भक्ति का जो
कार्टून खड़ा किया गया। मेरे विचार से उसे कार्टून करने अच्छा है, यथार्थ भक्ति तो है नहीं वो। भक्ति का जो कार्टून मध्यकाल में खड़ा किया गया उसका यह सारा परिणाम है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। भक्ति की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने बताया है भज सेवाया। भज धातु है जिसमें तीन प्रत्यय न करके भक्ति शब्द संपन्न होता है, और उस भक्ति का अर्थ होता है सेवा। ड्रम पीटने से सेवा नहीं होती, घंटी हिलाने से सेवा नहीं होती, किसी प्रकार के अन्य प्रपंच करने से सेवा नहीं होती, क्योंकि भगवान कोई थका हुआ व्यक्ति नहीं जिसका पांव दबाओगे और उसकी सेवा हो जाएगी। क्या समझा? ये सेवा नहीं है। वर्तमान में जो भक्ति के सारे कार्य किए जाते हैं, मेरे विचार से भक्ति का कार्टून है, यथार्थ भक्ति नहीं है। यथार्थ भक्ति का जीवन आप आदर्श भक्त हनुमान के जीवन को देखें। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भक्तो सीमे सखा चेती, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य को बता रहा हूं कि आपने देखा कि महाभारत में गीता की व्याख्या सुनने के पश्चात अर्जुन आरती उतारने लगा, वो ड्रम लेकर नाचने लगा, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगा? नहीं, उसने कृष्ण की सेवा की। किस रूप में की? करिष्ये वचनं तव, माय लॉर्ड आई विल फॉलो योर गाइडेंस, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहता हुआ वह युद्ध में निरत होता है, वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो अपने लिए नहीं भक्ति कर रहा, भगवान की सेवा समझकर युद्ध अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि पहले उसने युद्ध में प्रवृत्त होने से पूर्व निश्चय किया था मैं देखूं कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। यावत नेता निरीक्ष हम युद्ध का मानव स्थितान कई में आसान समुद्र में, जरा मैं देखूं तो मेरे साथ युद्ध करने वाला कौन है इस क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में, इस सेना में। उसको अभिमान था अपने बल पर, अपने गांडियों पर, अपने धनुष पर, अपनी विद्या पर, अपनी कला पर, और उसी अभिमान से प्रेरित होकर कर्म में जा रहा था। लेकिन जब वो भगवान की शरण में चला गया, भगवान ने उसे कर्म भोग की बजाय कर्म योग के रास्ते पर डाल दिया, जब वो कर्म योगी बना तब कहता है करिष्ये वचनं तव, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। बाद में उसका युद्ध भगवान की अर्चना के लिए हुआ, भगवान की पूजा की, पूजा माने प्रसन्नता। एक बात और याद रख ली, पूजा शब्द का अर्थ प्रसन्नता होता है। जिस क्रिया से आपके पिता प्रसन्न हो वो पिता की पूजा है, जिस क्रिया से आपकी माँ प्रसन्न हो वो माँ की पूजा है, जिस क्रिया से आपके आचार्य प्रसन्न हो वो आचार्य की पूजा है, और जिस क्रिया से भगवान प्रसन्न होते हैं वो भगवान की पूजा है। पूजा उस क्रिया का नाम है जिससे वह आपका पूज्य, आपका आराध्य प्रसन्न होता हो, ये बात याद रखें। और कोई भी ऐसा समझदार पिता नहीं है जो बच्चा उठकर सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक उसके सामने बैठा रहे, माला फेरता रहे, समय समय पर घंटी बजाता रहे, सुतुरी बजाता रहे और पिता के सामने नाचना शुरू कर दे तो पिता खुश हो जाएगा। ये मेरे विचार से कोई पिता नहीं खुश हो सकता। क्या राय आप लोगों की? मेरी तो राय यही है कि नहीं खुश होगा। और पिता यदि समझदार है तो उसे दो चाटे ऊपर से मारेगा कि मूर्ख ये कौन सी पूजा कर रहा है मेरी, तो मेरी पूजा का माध्यम है कुछ निर्माणात्मक क्रिया। यू मस्ट डू समथिंग व्हाट एवर इज क्रिएटिव, जो निर्माणात्मक है उसको तुम करो, वो पूजा होगी, ये पूजा नहीं है। तो पूजा के नाम पर समय का, शक्ति का, सामर्थ्य का दुरुपयोग है, बर्बादी है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा है कि अर्जुन तू कर्म योग कर्म करेगा, बिना कर्म किए रह नहीं सकता, इसलिए कर्म योग का अनुष्ठान कर, कर्म भोगी मत बन। दूरे रहेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय हे अर्जुन, ये जो कर्म योग है इसकी अपेक्षा जो कर्म भोगी है उनका कर्म तो बड़ा निकृष्ट है, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। कोई राजा की उपासना की, राजा की सेवा की, राजा प्रसन्न हुआ, वो कहता क्या चाहिए तुम्हें, कहता मुझे एक मुट्ठी चना दे दो। तो राजा से एक मुट्ठी चना की याचना करने वाला कोई बहुत समझदार आदमी नहीं है,
भगवान को दुहाई भी दी। भगवान पूछता तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है मेरे इस इंद्रिय की पूर्ति कर दो। अरे भले आदमी, इंद्रियों की पूर्ति के लिए भगवान की उपासना क्या जरूरत है? वो तो तुम अपने अपने प्रयत्न से भी कर सकते हो। वो तो कीट पतंग भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, जो भगवान को जानते नहीं, समझते नहीं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। और उसी की पूर्ति के लिए यदि तुम भी भगवान से प्रार्थना कर रहा, कौन का मंदिर का काम है? इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, मुख्य बात यह है कि कर्म भोग की अपेक्षा कर्म योग का रास्ता श्रेष्ठ है। कर्म योगी कैसे बना जाए, भगवान ने कर्म योग की सीख दूसरे अध्याय में बीज रूप से दी। कर्मेणेवाधिकारस्ते मा फलेत कदाचन, मा कर्म हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मण। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं समझ सका। उसने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न कर दिया, जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन सत्यम कर्मणि घोरे माम नियोजस के स्व। हे प्रभु, हे केशव, यदि आपकी समझ से कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? दूसरी प्रार्थना करता है, व्यामिश्रेणे वाकेन बुद्धि में वो ऐसी में आप मिश्रित सी बात कह करके मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं प्रभु। इसलिए हे नाथ, तदेकं वद निश्चित एन श्रेयो हम आत्मिया, आप मेरे लिए वह रास्ता बतावे निश्चित किया हुआ, जिससे मैं अपने कल्याण को प्राप्त करूं। यहां अर्जुन को ब्रह्म प्राप्ति की चाह नहीं है, श्रेय प्राप्ति की चाह है। अर्जुन भगवान को पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, भगवान उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? श्रेय। श्रेय किसे कहते हैं? श्रेय नहीं बल्कि निश्रेय। श्रेय से निश्चितम रूहि धर्मे, अब यहां निश्रेय सिद्धि की बात नहीं है, श्रेय सिद्धि की बात है। इस दूसरे श्लोक में उसने कहा है, एन श्रेयो हम आत्मिया, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं, आप मुझे वह रास्ता बताई। हम उपनिषद में, कठोर उपनिषद में, नचिकेता और यम के संवाद में ये दो शब्द पढ़ते हैं, श्रेय और प्रे। श्रेय और प्रे, नचिकेता को यम ने तीन वरदान मांगने के लिए कहा। पहले वरदान में उसने प्रार्थना की, भगवान यदि आप मुझे प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं, तो पहला वरदान ये दे कि जब मैं आपके यहां से लौट कर जाऊं, तो मेरे पिता मुझे पहचान कर मुझसे प्यार करें। ठीक। दूसरा वरदान आप मुझे ये दे भगवान, जो अग्नि विद्या है, वो अग्नि विद्या का रहस्य मुझे समझ में आ जाए, वो आप मुझे समझा दें, जो स्वर्ग का साधन है। बड़ी अच्छी बात। तीसरा वरदान हमें यह दे, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। यानी आप लोग ये ना समझ लेना कि ये नास्तिक बाद अब शुरू हुआ है ना, ये नहीं समझना कि धर्म को अफीम करने वाला केवल एक काल मार्क्स ही हुआ है, ऐसी बात नहीं। ये नास्तिक बाद कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। हम कठोर परिषद से भी इसका दर्शन कर रहे हैं। नचिकेता कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा होती है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। लेकिन आप तो मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु के देवता हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं प्रभु, तो आप मुझे ये बताइए कि मरने के बाद जो रहता है वो क्या है, या मरने के बाद आत्मा रहती है वा नहीं रहती, ये आप मुझे बता। ये मेरा तीसरा वरदान। उसके लिए यम ऋषि ने दोनों वरदान तो दे दिया, तीसरे वरदान के लिए उन्होंने कहा, भाई नचिकेता, ये जो तूने प्रश्न किया है, इसको तो समझ करके देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत कठिन प्रश्न है और बहुत कठिन उत्तर है इसका। बहुत कम लोग इस प्रश्न को जानने वाले हैं और बहुत कम लोग इस प्रश्न को बताने वाले हैं, बहुत कम लोग इस
मुझसे 100 वर्ष तक की लंबी आयु मांग ले, 100 पुत्रों का पिता होना वरदान मांग ले, अनंत काल तक स्वर्ग में रहने का वरदान मांग ले, लेकिन ये प्रश्न मेरे से न पूछ। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, ये तेरे समझ में नहीं आएगा। नचिकेता सोचता है कि जिस प्रश्न को पूछने के बदले में अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, केवल प्रश्न के पूछने के बदले में अनंत काल तक स्वर्ग में निवास का वरदान मिल रहा है, पृथ्वी का सारा राज्य मिल रहा है, 100 पुत्रों का पिता होने का वरदान मिल रहा है, 100 वर्ष की दीर्घ आयु का वरदान मिल रहा है। जिस प्रश्न को पूछने में इतना बड़ा वरदान मिल गया, यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तब क्या मिलेगा? वो तो इससे भी महान होगा। वो कहता है, भगवान आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो और कुछ नहीं चाह करके केवल यही उत्तर चाहता हूं। मुझे जो तीसरा वरदान मैंने मांगा वही चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नचिकेता को यम ऋषि ने प्रलोभन दिया और भय दिखलाया, लेकिन न तो वो भय से भयभीत हुआ और न वो प्रलोभन में आया। जब भय और प्रलोभन दोनों से विमुक्त हो गया वो, तब यम ऋषि ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और कहा कि नचिकेता, तुम्हारे ऐसा जिज्ञासु इस दुनिया में दुर्लभ है। कोई भाग्यवान गुरु जो है वही इस प्रकार के शिष्य को प्राप्त कर पाता है जो कि प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय की कामना करता हो। दुनिया में 2 प्रकार के सुख है, एक प्रेय है, दूसरा श्रेय है। प्रेय सुख स्वर्ग का है, 100 वर्ष की सुदीर्घ आयु स्वस्थ आयु का है, पुत्र पौत्रों से भरे हुए संपत्तिशाली परिवार का है और मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति का है। ये प्रेय का रास्ता है। और दूसरा श्रेय का रास्ता है। जिनको ये सब कुछ नहीं चाहिए वो श्रेय के रास्ते पर जाते हैं, जिसमें सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, जिसमें परम तत्व का ज्ञान होता है, वो श्रेय का रास्ता है। दुनिया में अधिकांश लोग इस प्रेय के रास्ते को ही अपनाते हैं, श्रेय के मार्ग पर कोई बिरला ही चल पाता है। लेकिन मैं धन्य हूं जो तुम्हारे ऐसा शिष्य पाया जो कि प्रेय को अस्वीकार करके श्रेय की जिज्ञासा लेकर मेरे सामने खड़ा है। इतनी प्रशंसा करने के पश्चात तब यम ऋषि ने उसे श्रेय का साधन बताया। जिस कठोर उपनिषद में श्रेय और प्रेय की मीमांसा हम पढ़ते हैं और भय और प्रलोभन से विरत हुए नचिकेता को आत्मज्ञान में तत्पर देखते हैं, श्रेय की जिज्ञासा भी देखते हैं, उसी प्रकार की जिज्ञासा यहाँ अर्जुन के जीवन में है। अर्जुन प्रेय को नहीं चाहता, अर्जुन स्वर्ग सुख को नहीं चाहता, अर्जुन पृथ्वी के अकंटक राज को नहीं चाहता। वो साफ कहता है अवाप्य भूमावस्पत्र मृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, हमें पृथ्वी का अकंटक राज मिल जाए, हमें देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तब भी मुझे नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए वह प्रेय से विरक्त है, वह भय और प्रलोभन से मुक्त है, वह अपने लिए श्रेय का रास्ता ढूंढ रहा है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, तदेतम तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो मापनीयम, हे भगवान आप मेरे लिए एक रास्ता बताइए जो श्रेयप्रद हो, जो कल्याण का मार्ग हो, जो मोक्ष का मार्ग हो, जो पूर्णत्व का मार्ग हो, जिससे हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर ले, वह रास्ता आप मुझे बताइए। ये अर्जुन की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के बदले भगवान का पहला जो वाक्य उच्चरित होता है वह आप सुनिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अनघ कहा है। अनघ माने अघ से रहित। अघ क्या है? अघ किसे कहते हैं? घोर पाप को। और घोर पाप क्या है जानते हो? विषयों की वासना। संसार में सुख की वासना ही अघ है, क्योंकि सब प्रकार के अघों को वही जन्म देती है।
मनुष्य माँ की हत्या कर देता है, बाप की हत्या कर देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है, संतान की हत्या कर देती है, किसके लिए? वासना की पूर्ति के। वासना ही संसार में समस्त अघों की मूल है, जो निर्वासनिक है, जिसको अब वासना नहीं रही, स्वर्ग और मृतलोक के सुख की चाह नहीं रही, वह अनग है, वह अघ रहित है, क्योंकि वह निर्वासनिक हो गया है। अर्जुन श्रेय का पुजारी है, श्रेय का अभिक्षु है, श्रेय की कामना लिए हुए है, इसलिए प्रभु उसको अनग कहते हैं। हे अनग, अनग शब्द से ये भगवान संकेत करते हैं कि अर्जुन में किसी प्रकार का पाप नहीं रहा, निष्पाप, क्योंकि समस्त पापों की मूल जड़ जो अहम भाव है वह उसने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। आप लोग जानते होंगे रामायण में तुलसीदास जी ने भी बात कही है कि दुनिया में समस्त प्रकार के दुखों पापों का जनक अहम है। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, जन्म मरण की जड़ नाना प्रकार की पीड़ाओं को देने वाला अभिमान है, अहंकार है। उस अभिमान को अर्जुन ने शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, हे प्रभु मैं आपका शिष्य आपकी शरणागत हूं, ऐसा कहते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। और उस अभिमान से ही वासनाओं का जन्म होता है, जहां अभिमान ही नहीं रहा वहां वासना कहां से रहेगी। इसलिए अर्जुन इस समय निराभिमानी और निर्वासनिक है, इसलिए भगवान उसे अलग कर रहे। अब के दोनों कारण उसके जीवन में अब नहीं रहे। पूर्ण समर्पण के पश्चात उसका अभिमान नष्ट हो गया और निर्वासनिक होने से उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब वो श्रेय की कामना लिए एन श्रेयो हम अपने यहां, जिसके द्वारा मैं कल्याण को, मोक्ष को, परम गति को प्राप्त कर जाऊं, आप वह रास्ता मुझे बताइए। निश्चित किया हुआ इस आकांक्षा के साथ वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रभु ने उसे अनग कहा। लोकस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनग मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं सृष्टि के प्रारंभ में कही गई। यहां पर एक बात याद रखना है, लोकस्मिन् द्विधा निष्ठा, यहां निष्ठा दो नहीं है, द्विविधा है, निष्ठा एक है, उसकी दो विधियां हैं। ये सूक्ष्म बात समझ लीजिए, इस श्लोक में दो निष्ठाएं अलग अलग नहीं है, ये योग निष्ठा है, ये सांख्य निष्ठा है, ऐसी नहीं, एक निष्ठा की दो विधियां हैं, द्विविधा, दो विधाएं हैं, निष्ठा एक है। जैसे एक काम करने की दो विधि हो, जैसे एक लक्ष्य पहुंचने के लिए दो रास्ते हो, ऐसे समझ लो, या एक किसी काम की पूर्ति के लिए दो प्रक्रियाएं हो, ऐसे समझ लो। तो भगवान उससे समझा रहे हैं कि मेरे द्वारा दो प्रकार की यानी दो विधा वाली निष्ठा बताई गई है। कब बताई गई? पूर्व में बताई गई। यहां पर पूर्व में कहकर के पूरा प्रोक्ता कहकर के सृष्टि के आदि काल में आगे चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कि ये ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि काल में विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ये ज्ञान परंपरागत है एवं परंपरा प्राप्त विमम राजर्षि योगिदु। तो जिस बात को चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे कि इस ज्ञान को मैंने विवस्वान को कहा था, उसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पूर्व में कही गई है। ये दो निष्ठाएं हम महाभारत में पढ़ते हैं, इन दोनों निष्ठाओं के प्रवक्ता भगवान कपिल और हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का नाम है, प्रजापति का नाम है, और वह प्रजापति भगवान के ही स्वरूप है। भगवान कपिल भी भगवान के ही स्वरूप है। दसवें अध्याय में भगवान ने स्वयं सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं ऐसा समझाया है, और प्रजापति भगवान स्वयं है ऐसा भी उन्होंने समझाया है कि मैं ही अहम कृष्ण सृजता।
प्रभो प्रलय तथा मैं ही सृष्टि का प्रभाव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही संपूर्ण रूप में हूँ। तो प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ भी भगवान स्वयं है और कपिल भी भगवान स्वयं है। इसलिए कपिल और हिरण्यगर्भ के रूप में जो सांख्य और योग निष्ठा का प्रभु ने संदेश दिया है उसके तरफ संकेत कर रहे हैं कि सृष्टि के आदि में ये दो प्रकार की दो विधान की निष्ठाएं ये मैंने कही है। वो दो निष्ठाएं कौन कौन सी हैं उसके विषय भगवान का कथन है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, संख्या कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का एक नाम है संख्या। संख्या माने क्या होती है? सम्यक ख्याति, ख्या माने प्रकाश, ख्या माने प्रकाश। जैसे आप कहते इसकी बड़ी ख्याति है, ख्याति माने क्या है? उसका प्रभाव है, उसका प्रकाश है, उसकी महिमा को लोग जान रहे हैं। तो ख्या माने प्रकाश, सम माने पूरी तरह से। तो संख्या का अर्थ होता है विशुद्ध बुद्धि, और विशुद्ध बुद्धि का जो विषय है उसको कहते हैं सांख्य। समझे? तो सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ख्यानम, सम्यक ख्याति। तो सम्यक ख्याति, सम्यक ख्यानम, सांख्यम। इसीलिए जैन धर्म में सम्यक ख्याति शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब सांख्य के ही अनुयायी हैं। बौद्ध, जैन, ये सारे जितने संप्रदाय हुए हैं फिलोसॉफिकली ये सांख्य को ही फॉलो करते हैं, सांख्य निष्ठा के ही अनुयायी हैं। बौद्ध भी सांख्य निष्ठा के अनुयायी हैं दार्शनिक दृष्टि से, और जैन भी सांख्य निष्ठा के अनुयायी हैं दार्शनिक दृष्टि से। और उसमें जैसे भगवान बुद्ध का कथन है आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, तुम अपने आप को ही दीपक बनाओ और अपने प्रकाश में ही तुम देखो, आत्मा के प्रकाश में ही देखो। ये सांख्य का संदेश है, आत्मा के प्रकाश में तुम देखो। इसी रूप से जैन संप्रदाय में सम्यक ख्याति, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक ख्याति इसका महत्व है। तो उसमें भी ये बात समझाई गई है कि जहां तुम्हारा सम्यक चरित्र हो, सम शब्द जो है वो उसी विशुद्धता का, समग्रता का बोधक है, और ख्याति में प्रकाश का बोधक अवबोधन होता है। तो सम्यक बुद्धि जहां होकर के सम्यक प्रकार से आपके जीवन को प्रकाशित कर देती है, ओपन कर देती है, जहां आप अपने को और बुद्धि यानी संसार को समझ लेते हैं, उसको कहते हैं सम्यक ख्यान। और उस सम्यक ख्यान से जो युक्त है उसको कहते हैं सांख्य। तो भगवान ने यहां पर बताया ज्ञान योगेन सांख्यान, जो सांख्य लोग हैं, सांख्यानुयायी है, उनके लिए ज्ञान योग का मैंने रास्ता बताया। और कर्म योगेन योगिनां, और जो योगी हैं उनके लिए कर्मयोग का मैंने रास्ता बताया। एक कर्मयोग की निष्ठा है, दूसरी ज्ञान योग की निष्ठा है। इसको ज्ञान योग और कर्मयोग भगवान ने कहा है। एक को योगी कहा, दूसरे को सांख्य कहा। तो सांख्य वे लोग हैं जो सम्यक ख्याति में आस्था रखते हैं, योगी वो लोग हैं जो कर्म को भगवान के साथ जोड़ करके योग बना देते हैं, जो योग पद को प्राप्त हो जाते हैं। योग की व्याख्या भगवान ने दूसरे अध्याय में की है, समत्वम योग उच्चते, समत्व को ही योग कहा जाता है। तो जहां समत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो लोग अपनी क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ देते हैं वो कर्म योगी हो जाते हैं, वो योगी कहे जाते हैं। और जो लोग सिर्फ ज्ञान के प्रकाश में सारी क्रियाएं कर रहे हैं वो सांख्य कहे जाते हैं, वो ज्ञान योगी कहे जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग में केवल इतना अंतर है, ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है इसे समझो। ये विषय समझने का है सूक्ष्म विषय, घबराना नहीं आप लोग। ज्ञान योग में कर्ता अपने अहम को प्रकृति का कार्य मान करके स्वयं को दृष्टा रूप में देखता रहता है, और उसके प्रकाश में सारे कर्म हो रहे हैं ऐसा अनुभव करता है। समझे? ज्ञान योग में कर्ता अपने अहम को प्रकृति में प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि अहंकार प्रकृति का काम है। भूमि, रापो, ललो, वायु,
मुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकारी।